मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेटनरी मेडिकल कॉलेज का दिसंबर में शिलान्यास कर सकते हैं। तालकंद्रा में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्वविद्यालय के लिए जिला प्रशासन ने सीलिंग की 52 एकड़ भूमि को कॉलेज के निर्माण के लिए प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री की मौखिक सहमति यह जमीन विश्वविद्यालय के लिए मिल चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुधवार की शाम को DM, तहसीलदार और ग्रामीण विधायक की टीम ने जमीन का मुआयना किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही जमीन को पशुपालन विभाग के नाम हस्तांतरित की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित के साथ चयनित भूमि का निरीक्षण किया। गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि जमीन के कुछ हिस्से में जलभराव की समस्या है, जिसका समाधान तरकुलानी रेगुलेटर के निर्माण के कारण हो जाएगा। इसके अलावा जल निकासी के लिए वहां ग्राम पंचायत का एक नाला भी है। मिट्टी भराई का काम भी कुछ ही हिस्सों में करना पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित स्थल तक पहुंच मार्ग को चौड़ा कराएं। उम्मीद जताई जा रही है कि वेटनरी मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री अगले माह शिलान्यास कर सकते हैं। आपको बता दें कि वेटनरी विश्वविद्यालय में पशुओं के उपचार के साथ शोध कार्य के लिए पशुपालन किया जाएगा। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की तरह कई तरह के शोध हो सकेंगे। चारागाह, डेयरी फार्म, बकरी व भेड़ फार्म एवं पोल्ट्री फार्म भी बनाए जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रसंस्करण केंद्र भी होगा। यह वेटनरी कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान केंद्र मथुरा से संबद्ध होगा, जिसके संबंध में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह ने बताया कि वेटनरी विश्वविद्यालय लगभग 500 करोड़ रुपए में तैयार होगा, जो गोरखपुर के लिए बड़ी सौगात है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, ये वही वाला ना 400 की गुना मंत्री, हां 400 अध्यक्ष शुक्ला सर, पूर्व मंत्री जो ये है ना, ये GDA के अंदर आ गया अभी सबके क्षेत्र के कल्याण हो गया यार, कल भविष्य में सबको नौकरी मिल जाएगा, इलाका डेवलप पूरा सपोर्ट मिलेगा, 500 करोड़ का निवेश बहुत एकदम सपोर्ट मिलेगा, गाइड करिएगा सपोर्ट पूरा मिलेगा, पूरा टाउन टाइप हो जाएगा रास्ते और भी हैं वहाँ से हैं। रास्ता फिर बहुत सा रास्ता छोटा छोटा करके है, एक प्रमुख मार्ग एक बनी है ना, मगर यहाँ से गाड़ी के चढ़ जाते हैं। ऊंचा वाला इलाका है ये, करीब 22-23 कॉलेज इत्यादि सारे इधर हासिल इधर हो जाए। एक्चुअली जानवर पालने के लिए उनको फार्म चाहिए, डबल फार्म सारे, वो उन लोग विभाग के लिए सहमत, विभाग कह रहे थे सब ये अच्छा है हमारा, ताकि दोनों एक टेंटेटिव हमने बनाया है, ये कनेक्टिंग रास्ता भी हम लोग निकलवाए हैं, ताकि ये GDA के अंदर आता है तो उसका वो रास्ता भी बनवाना पड़ेगा, हम दोनों को तो जुड़वा ही देंगे उसको, क्या है उसी रोड से इधर से अंदर इधर भी हो जाएगा, इसी तरह से हम आए थे इसी रास्ता पे आएंगे। रोड तो है ही, इसका तो दोनों को बीच में हम कनेक्ट कर देंगे, जो वहाँ पैदल आए थे ना सर, वहाँ तक आए थे हम लोग, वो जो है ना बाइक वाला जो है दोनों जुड़वा देंगे उसको बीच में रास्ता से, उधर ये सब गाड़ियाँ। कल हमारे SSC मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज ने NXC में इसके लिए मुझसे कहा कि वेटनरी विश्वविद्यालय यहाँ पर बनना है गोरखपुर में। कई जगह ज़मीनें देखी गई, लेकिन हमारे क्षेत्र में तालकंदला एक जगह है जहाँ पर 51.1 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पर 2 टुकड़े में है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के साथ आप वार्ता करके और जाइए देख लीजिए, ज़मीन अगर अच्छी है तो उस पर 500 करोड़ रुपये का वो प्रोजेक्ट है पूरा, और उसको इसी साल में उसका हम शिलान्यास कर देंगे। तो उसी क्रम में हम और जिलाधिकारी गोरखपुर के विजय पांडियन दोनों साथ जाके करी, दोनों साइड से हम लोग 1 घंटे जाके उस पर पूरा निरीक्षण किए, तो करीब करीब हमको लगता है बातों से या देखने से लगा कि शहर के एकदम करीब है, 4 लेन से 250 मीटर दूर है वो, तो कहीं से कनेक्टिविटी भी दे दी जाएगी जैसा कि जिलाधिकारी गोरखपुर ने कहा, तो बहुत बढ़िया वो हो जाएगा। गोरखपुर में अच्छे अच्छे पशु डॉक्टर भी निकलेंगे और उस क्षेत्र के लिए गोरखपुरवांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात पूज्य महाराज जी देंगे। हम अपने
गोरखपुर वासियों के तरफ से पूज्य महाराज जी को अग्रिम बधाई देते हैं कि ऐसा उन्होंने अगर कर दिया तो एक सौगात गोरखपुर वालों को और मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।